अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? जैसे कि आपको हमने बताया था कि हम नॉर्वे पहुंच गए हैं ओस्लो, और यहाँ की जो लोकल शिप है, बोट है, उसकी आज हम सैर कर रहे हैं। व्यूज बहुत प्यारे हैं और सर्दी भी है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और जो मोशन है उसकी सैर तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। सी साइड पर आके तो वैसे ही समुंदर की जो लहरें हैं, जो वेव्स हैं, उनकी साउंड बहुत अच्छी लगती है, बहुत नेचर की फील लगती है। बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं, और जैसे जैसे शिप चल रहा है तो वेव्स का एक शोर आ रहा है, क्योंकि कानों को बहुत अच्छा महसूस होता है। और यहाँ पर हमारे जो मेज़बान हैं नासिर मलिक साहब, उनके साथ हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर सैर करवा रहे हैं। बहुत अच्छे लगे कि आज हमारे पास ही आए हैं, बहुत खुश हैं। टाइम में मेहमान बहुत कम आते हैं, बहुत खुश हैं कि ये आए हैं, ये आए हैं, उनके हस्बैंड आए हैं, तो हम याद कर सकते हैं अपनी फैमिली को खाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। हमें ऐसे लग रहा है कि हमारा फैमिली के मेम्बर पाकिस्तान से उठ के हमारे पास आ गया, और अपनी पट्टी से जो हमें प्यार और मोहब्बत है उससे मिल कर हमें अपनी पट्टी को खुशबू आ रही है पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। ये इनके साथ वैसे भी हमारे फैमिली टर्म्स भी हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, और ये नॉर्वे आके सेटल्ड हो गए अपने फैमिली के साथ। बहुत इन्होंने स्ट्रगल की, बहुत एफर्ट की लाइफ में इस मुकाम तक पहुँचे। परदेश में अपने मुल्क का बशिंदा मिल जाए आपको, जैसे आपकी लैंग्वेज आती हो, तो फिर बहुत ईजी हो जाता है। और फिर कोई फैमिली फ्रेंड मिल जाए तो वो जो लुत्फ है वो दुबाला हो जाता है। ऑल अराउंड बहुत ब्यूटी है, और जो यॉट है वो भी चल रही है, जो जिन्हें मिनी यॉट कहा जाता है। माउंटेन्स भी हैं, और बहुत से जो शिप्स हैं, बोट्स हैं, क्रूज हैं, वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो विजिटर्स आते हैं यहाँ पर, जो यहाँ के लोग हैं ख़ास तौर पे समुंदर की सैर का लुत्फ लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, उससे लुत्फानंदोज़ होने के लिए। बहुत अच्छा व्यू है, आपको उस साइड पे भी दिखाएंगे, और उस साइड पे तो बोट्स काफ़ी ज़्यादा हैं उस साइड पे। और इसके अंदर भी जाके हम आपको दिखाएंगे अंदर का व्यू भी। कुछ लोग बाहर इंजॉय कर रहे हैं वेदर से, हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी। यहाँ का वैसे भी टेम्परेचर भी बहुत ज़बरदस्त है, सर्दी की फील आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी गर्मी है, तो सर्दी का आना भी जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है, सर्दी का महसूस होना। अंदर की तरफ आपको दिखाते हैं, और फिर इसके दूसरी जानब चलते हैं, हमारे साथ चलिएगा। क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी गर्मी है, तो सर्दी का आना भी जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है, सर्दी का महसूस होना। अंदर की तरफ आपको दिखाते हैं, और फिर इसके दूसरी जानब चलते हैं, हमारे साथ चलिएगा। ये पूरा अंदर की साइड पे भी व्यू है, लोग अंदर बैठे हुए भी इंजॉय कर रहे हैं। और ये इन साइड है, चलें क्यों ना आपको सैर कराई जाए। ठीक है, अगर चाय पहले हम ऐसा करते हैं, बाहर निकलते हैं, उधर दिखा देते हैं एक ही व्यू।
जगह पे तो फिर आपको अपने साथ रखेंगे। खुदा हाफिज़।